प्रॉपर चेकिंग है सीआरपीएफ वाला का। दंतेश्वरी जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज का ब्लॉग जो है काफ़ी स्पेशल होने वाला है और एक नए लोकेशन पर स्टार्ट हो रहा है गाइस। और अभी हम लोग हैं बलोद जिला में और भानु प्रताप एक गांव है करके और इस नाले के पास। यहां पर अभी हम लोग अभी ब्रेक लिए हैं। एक्चुअली हम नाइट में निकल गए थे कवर्धा से 1 बजे, तो पूरा रात भर सफ़र किए हैं और अभी जाएँगे हम लोग बस्तर। तो काफी अच्छा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। हमारा पूरा गैंग यहाँ पर मौजूद है। तो भाई लोग एक बार हाय बोल दो। मजा आ रहा है ट्रिप में? अरे फुल एंजॉय। लेकिन गाइस एक प्रॉब्लम हो रही है, बारिश थम नहीं रहा है, क्योंकि आते समय भी अभी नाइट में काफी ज्यादा बारिश हो रहा था। लेकिन हम लोग जैसे तैसे आ ही गए और अभी जस्ट सुबह हुआ है अभी, तो यहाँ पर हम फ्रेश वगैरह होने के लिए रुके थे। तो अभी गाड़ी यहाँ पर खड़ा हुआ है, बाकी इधर हम लोग अभी फ्रेश हो चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा खुशनुमा मौसम है, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है गाइस। काफ़ी एक नया लोकेशन पर देख सकते हो, यहाँ का कुछ इस प्रकार से है अभी व्यू। सुबह सुबह का माहौल है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और सभी भाई बंधु हमारा इधर पूरा पलटन तैयार है भाई साहब, तो काफ़ी रोमांचक होने वाला है। सीवी भाई साहब काफ़ी एक्साइटेड लग रहा है, बाकी हमारे सभी भाई लोग इधर है। तो बने रहिए, आज के ब्लॉग में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड चैनल में तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि हमारे जितने भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले पहुँचे। तो चलो आज की इस सफ़र को कंटिन्यू करते हैं, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, तो बने रहिए वीडियो में। तो अभी हमारे भाई लोग सब ब्रश कर रहे हैं यहाँ पर। भाई सभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो आकाश भाई सभी लोग बैठ चुके हैं। तो कहाँ जा रहे हैं भाई? पहले दंतेश्वरी जाएंगे, उसके बाद फिर बस्तर। अच्छा, तो चलो तो फिर चलते हैं यहाँ से। रेडी है? नहीं चलो। तो गाइस सभी लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में और जस्ट यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। बाकी हमारे भाई लोग इधर सभी लोग बैठ चुके हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी खूबसूरत मौसम है, काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइस। तो बने रहिए ब्लॉग पे। अभी छोटी सी ब्रेक लिए हुए हैं यहाँ पर और गाड़ी का टायर वगैरह चेक करा रहे हैं, हवा वगैरह। और हमारे भाई लोग इधर अभी मस्त से आराम से बैठे हुए हैं और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है हमारी सफ़र। तो अभी हम लोग रुके हुए हैं ताड़ोकी गांव पे। तो ये हम लोग अभी पहुँचने वाले हैं नारायणपुर ज़िला। तो आगे हम लोगों को मिलेगा नारायणपुर। और हमारे लोग इधर कैमरा वगैरह टेस्ट कर रहे हैं अभी। अच्छा चल रहा है, रेडी है ना? तो गाइस अभी हम लोग एक खूबसूरत लोकेशन पर रुके हुए हैं और ये काफ़ी अच्छा प्लेस है गाइस, देख सकते हो। और इधर हम लोग और इधर हमारे सभी भाई लोग अपने अपने सेल्फी लेने में काफ़ी व्यस्त हैं और ग्रुप में भी लिए हैं। तो काफ़ी खूबसूरत प्लेस है यहाँ का, कुछ अल्टीमेट व्यू है गाइस, कुछ इस प्रकार से है। और अभी भाई लोग कहाँ कहाँ ले जाने वाले हैं, शायद दंतेश्वरी मंदिर भी जाने वाले हैं दंतेवाड़ा। तो काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत सा वीडियो आने वाला है। सो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए गाइस और चैनल में है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फाइनली यहाँ से अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं। तो गाइस यहाँ पर फ़ोटो लेने में काफ़ी व्यस्त हैं भाई लोग। वो कह रहे हैं कि मेरा पहली सबका होगा भाई लोग, सबका होगा, धीरज धरो। इसी के लिए तो आए हैं भाई, यही व्यू के लिए तो आए हैं, देखने के लिए यही पिक। अभी हम लोग गाड़ी पे बैठ चुके हैं यहाँ। सो गाइस अभी हम लोग नारायणपुर सिटी पहुँच चुके हैं और यहाँ से क्रॉस होने ही वाले हैं, तो चलते हैं अभी।
मैं खा मखा चला चला उड़ बढ़ता गया, तुम्हारी राह में साथ सांस लेता गया। गाइस यहाँ पर एक पोपट हो चुका है हमारे साथ कि आगे गाड़ी नहीं जाएगा, मतलब दंतेश्वरी दंतेवाड़ा हम पहुँच ही नहीं सकेंगे क्योंकि यहाँ पर चेकिंग है सीआरपीएफ वाला का, क्योंकि यहाँ चेकिंग हो रहा है, सीआरपीएफ बटालियन तैनात है यहाँ पर। तो ये लोग उधर पुल टूटा हुआ करके बता रहे हैं, तो आगे जाना हमको पॉसिबल नहीं लग रहा है। अब देखते हैं कहाँ कैसा होता है, किस रूट से ले जाते हैं, अगर और एक आग तो नया रूट होगा तो वहाँ से जाएंगे, और नहीं होगा तो वापस यहाँ से रिटर्न होना पड़ेगा हम लोगों को। तो अभी सर लोग हमारा गाड़ी का एंट्री वगैरह कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन वगैरह, फिर हम यहाँ से फिर रिटर्न वापस जाएंगे। तो बहुत बड़ा हमारे साथ पोपट हो चुका है और बहुत आगे भी आ चुके थे हम लोग, और फिर उतना ही दूर रिटर्न जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सर लोग अभी बात कर रहे हैं ड्राइवर भाई एक साथ, पता नहीं क्या हुई होगा। सो गाइस अभी हमारे प्लान में चेंजिंग हो चुका है, फिर से हमको रिटर्न नारायणपुर जाना पड़ेगा और उधर से नए रूट लेके हम लोगों को निकलना पड़ेगा। तो क्या ही कर सकते हैं, फिर से रिटर्न हो रहे हैं, बहुत बड़ा पोपट हो गया हम लोगों के साथ। 50 किलोमीटर आई थिंक हम आगे आ चुके हैं, तो ये बहुत बड़ा पोपट हुआ है हमारे साथ फर्स्ट टाइम। अब क्या ही कर सकते हैं, पुल टूटा हुआ है करके बोल रहे हैं सर लोग, तो किसी को भी नहीं जाने दे रहा है, यानी कि यहाँ तक बाइक वाले को भी नहीं जाने दे रहा है। तो अभी रिटर्न हो चुके हैं, अब फिर चलते हैं नारायणपुर, वहाँ से नए रूट से लेकर निकल जाएंगे आगे। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कोंडा गांव और यहाँ कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाए, यहाँ तक कि नाश्ता चाय भी नहीं किए हैं। तो देखते हैं कुछ खाने पीने के लिए एक आग दो अच्छा सा मिल जाए, रेस्टोरेंट वगैरह। अभी बस स्टैंड में देख रहे हैं, रात में भी नहीं सोए हैं, रात में सफर किए हैं, और नींद भी लग रहा था क्योंकि मैं एक दो छप्पी मार लिए, थोड़ा थोड़ा सभी भाई लोग हम ही लोग बस बाचे हैं छप्पी मारने से, और काफी थोड़ा सा आग भी जलन सा लग रहा है। अभी गाड़ी को लगाते हैं पार्किंग में, उसके बाद देखते हैं, भाई पेट पूजा करना जरूरी है। तो फाइनली भी हम लोग गाड़ी से कर चुके हैं, उधर भाई लोग अभी। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं रेस्टोरेंट में, अब यहाँ बैठते हैं और खाना वगैरह खाते हैं। सभी भाई लोग इधर, पूरा सभी का चेहरा थोड़ा सा नरम नरम सा हो गया है, देख सकते हो। हमारा मेन कार्ड भी आ चुका है, क्या मंगाए समझ में नहीं आ रहा है, कुछ इस तरह से ही ये मेन्यू कार्ड क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो फाइनली हमारा प्लेट आ चुका है, लग चुका है, अब खाने की बस देर है, तो खाते हैं गाइस। प्लेट लग चुका है, यहाँ पर पापड़ है, रोटी है, खीर है, दो तीन प्रकार की सब्जी है, दाल है और सलाद है। तो खाते हैं फटाफट, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो हेलो गाइस, अभी हम लोग निकल चुके हैं कोंडा गांव से खाना वगैरह खा के, और अभी हम लोग जा रहे हैं चित्रकूट जलप्रपात, वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वाला ब्लॉग काफी लंबा हो चुका है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, उम्मीद है आप लोगों को आज का ये हमारा छोटा सा सिंपल सा ब्लॉग पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना गाइस। हम मिलते हैं आप लोगों से इसी प्रकार के एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक हम इजाजत दीजिए, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखना, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू, बाय बाय। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4,